रिकॉल वालों को ऐप का ब्रांड एम्बेसडर और नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगा कर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है पलटना है जो भी करना है। फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाएगा। बीजेपी के साथ आप जाके मिल गए, बीजेपी के बीजेपी के रूप में आप काम कर रहे हैं, कल उन्होंने, अब देखिए नीतीश जी के कहने का कितना लोगों को भरोसा है वो तो आप पर छोड़ते हैं। अभी एक महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे भाई, अभी आप तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी जी ही वो महामानव हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अब एक महीना में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग, अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है कौन नहीं है। दूसरी बात, वो कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है जीरो। मैं किसी दल में नहीं हूँ, मैंने कोई दल बनाया नहीं है ना, और मैंने ये भी कहा है कि पदयात्रा तो कभी हम कुछ करने वाले भी नहीं है, एक गैर राजनीतिक प्रयास मैं कर रहा हूँ। संभव है कि इस प्रयास से कुछ राजनीतिक असर इसका हो, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ, जो करना चाह रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आपके सामने रखा है और आपके जिले में आए हैं, जो कर रहे हैं आप भी देख रहे हैं, किसके बी टीम है, किसके ए टीम है, आप उनके साथ थे और आप दूसरे को बता रहे हैं कौन बी टीम है।